मैं डॉक्टर कपिल कुमार शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। यदि आपको खाना खाने में, पानी पीने में दिक्कत हो रही है, यदि आपकी छाती में दर्द हो रहा है, यदि आपको जलन हो रही है और यदि आपका खाना वापस आ रहा है और आपको इंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, तो आप अक्लेजिया कार्डिया बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो आज हम इसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। अक्लेजिया कार्डिया एक आहार नाल की एक प्रमुख बीमारी है, जिसके अंदर आहार नाल के वाल के न्यूरॉन नष्ट हो जाते हैं। इन न्यूरॉन नष्ट होने की वजह से आहार नाल का वाल नहीं खुल पाता, उसकी वजह से खाना आहार नाल से अमाशय में नहीं जा पाता। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो आहार नाल के कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन भी प्रभावित होते हैं, उसकी वजह से खाना ऊपरी सिरे से नीचे वाले सिरे तक सामान्य गति से नहीं पहुँच पाता। अधिक समय तक रुके रहने की वजह से आहार नाल धीरे धीरे चौड़ी हो जाती है और पानी खाना सब वहां इकट्ठा होता रहता है। अक्लेजिया कार्डिया के प्रमुख लक्षण खाना एवं पानी पीने में दिक्कत, चेस्ट पेन होना, रीगर्जिटेशन होना, खांसी होती है। इस बीमारी के अंदर खाना अमाशय तक नहीं जाता, तो डाइजेशन बराबर नहीं हो पाता, इस वजह से मरीजों का काफी वेट लॉस भी होता है और इन मरीजों के अंदर बार बार में फेफड़ों में इन्फेक्शन भी होता है। तो अब हम बात करेंगे इस बीमारी को कैसे डायग्नोज किया। इसको डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहली जांच होती है अपर जीआई एंडोस्कोपी। कैमरा लगा होता है, वो आहार नाल में इंट्रोड्यूस की जाती है और आहार नाल की गंभीरता से जांच की जाती है। इस जांच के आधार पर हमें मालूम चलता है कि आहार नाल की जो अंदर की परत है वो सामान्य है या नहीं और उसके अंदर कोई और दिक्कत तो नहीं है। इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि जो आहार नाल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन है वो सामान्य है या नहीं, और यह भी मालूम किया जाता है कि जो आहार नाल का वाल है वह कितना टाइट है और उस वाल के आसपास में कोई गार्ड और कोई रुकावट तो नहीं है। तो ये सब जानकारी हमें एंडोस्कोपी से मिलती है। दूसरी जांच होती है बेरियम सोडा। इसके अंदर मरीज को एक तरल प्रभाव पिलाया जाता है, उसके बाद में बहुत सारे एक्सरे लिए जाते हैं। ये जांच ये बताती है कि जो मरीज तरल प्रभाव ले रहा है वो कैसे आहार नाल से अमाशय में जाता है, आहार नाल में कितनी चोरी हो चुकी है, आहार नाल में तरल पदार्थ रुक रहा है निरंतर। तो ये सब जानकारी हमें बेरियम से मिलती है। अंत में एक प्रमुख जांच जो कि बहुत ही आवश्यक होती है इन मरीजों के लिए, जिसे बोलते हैं हाई रेजोल्यूशन मैनोमेट्री। इसके अंदर एक फ्लेक्सिबल ट्यूब नाक से इंट्रोड्यूस की जाती है। इस ट्यूब के अंदर बहुत सारे प्रेशर सेंसर लगे होते हैं जो आहार नाल के विभिन्न हिस्से का प्रेशर नापते हैं। तो ये भी बताते हैं कि वाल के अंदर कितना प्रेशर है और जो आहार नाल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन वो सामान्य है, अधिक है, असंतुलित है। ये सारी जानकारी हमें इस मैनोमेट्री की जांच से मिलती है। मैनोमेट्री की जांच हमें ये भी बताती है कि यह अक्लेजिया कार्डिया कौन से तरह का है, 1, 2, 3, और यह अक्लेजिया कार्डिया को दूसरी सिमिलर बीमारी से डिफ्रेंशिएट भी करती है। ये जांच करवाने के बाद ही हम फैसला लेते हैं कि मरीज को कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में आती है दवाइयाँ। दवाइयाँ बहुत ही कारगर सिद्ध नहीं है अक्लेजिया कार्डिया के अंदर, इसको बहुत करना है 5 से 10। दूसरी एक एंडोस्कोपी की प्रक्रिया जिसे बलून डायलिटेशन बोलते हैं। इसके अंदर एक बलून एंडोस्कोपी के जरिए आहार नाल के नीचे के सिरे पर इंट्रोड्यूस किया जाता है और उस बलून को फुला दिया जाता है। जब ये बलून फूल जाता है जो स्फिंक्टर के फाइबर है उसको ये स्ट्रेच कर देता है। उसको स्ट्रेच करने की वजह से जो प्रेशर को कम हो जाता है। बट बलून के साथ में प्रॉब्लम यह है कि बलून जब करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होते, पर इसको बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है और कभी कभी बलून करते वक्त आहार नाल के अंदर की परत के अंदर छेद होने की संभावना पड़ती है, जिसकी वजह से कभी कभी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। एंडोस्कोपी की बहुत ही नई पद्धति जिसको पोएम यानी कि पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी बोलते हैं, यह अक्लेजिया कार्डिया के मरीजों के अंदर परफॉर्म की जाती है। इस तकनीक के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तकनीक के अंदर यह पूरी एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, इसके अंदर मरीज को बाहर से कोई चीरा नहीं लगता। ये एक पेनलेस प्रोसीजर है, पूरे एनेस्थेशिया में की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान मरीज बहुत ही जल्दी सामान्य हो जाते हैं। पोएम प्रोसीजर की 4 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर इसके अंदर एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसके आगे कैमरा लगा होता है वह आहार नाल में इंट्रोड्यूस की जाती है और आहार नाल के अंदर वाली परत म्यूकोजा पर इंसिजन लगाया जाता है। इस फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट होने के बाद में सेकंड स्टेप के अंदर आहार नाल की म्यूकोजा को मसल से सेपरेट किया जाता है और थर्ड स्टेप के अंदर
जो मसल्स एबनॉर्मल है, जिनके अंदर एक्सेसिव कॉन्ट्रेक्शन है, उसको बहुत ही गहन तरीके से देखते हुए उनको कट किया जाता है। और फोर्थ स्टेप के अंदर जो बाहर चीरा लगाया, इंसिजन लगाया हुआ था म्यूकोजा के अंदर, उसको क्लिप के द्वारा क्लोज कर दिया जाता है। मरीज को 24 से 48 घंटे के बाद में तरल पदार्थ दिए जाते हैं। तरल पदार्थ देने से पहले हम एक्सरे करके देख लेते हैं कि जहाँ क्लिप लगाई से वहाँ कोई लीकेज तो नहीं है, और मरीज को 48 घंटे बाद में छुट्टी कर दी जाती है। कभी कभी कुछ मरीजों के अंदर रिफ्लक्स होता है, लेकिन जो ये रिफ्लक्स होता है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता, मरीज को सिम्टम्स नहीं आते अधिकतर। जो मरीज को हम पेंटोप्रोजोल या PPI देते हैं उनसे ये रेस्पॉन्स कर जाता है। कभी कभी एक हल्का सा रक्तस्राव होता है प्रोसीजर करते वक्त, वो उसी टाइम कंट्रोल कर दिया जाता है। और दूसरा, कभी कभी कुछ होने लीकेज के चांसेस होते हैं। ये दो ही प्रमुखतः इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि इजीली टेकल कर लिए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव क्वेरी यू कैन कमेंट, वी विल आंसर योर कमेंट, एंड यू कैन रीच अस ऑन फॉलोइंग डिटेल्स।